रईस राही के घर पर छापे के बावजूद पाकिस्तान हरिगन साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाक वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने पैगाम में कहा कि मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए हरिगन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। हमारी जमात की जानिब से फैसला किया गया है कि आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेम वर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे और मंगल को हतमी झंडे पर बात। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से अपील करता हूं, खुदा के वास्ते मुत्तहिद हो जाएं, पाकिस्तान तबाही के किनारे खड़ा है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के आइन को खत्म किया तो जंगल का कानून होगा। कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान ने कहा कि रात को 12 बजे अदालत खुलने पर तकलीफ हुई। रात को अदालत खुलने के अलावा मैंने कभी अदालतों पर तनकीद नहीं की, हमेशा फैसलों का एहतराम किया। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो आज़ाद नहीं होती। ये पहले मुझे कहते थे अगर इलेक्शन चाहिए तो असम्बलियों को तहलील करें, जब हमने असम्बलियाँ तहलील की तो अब बहाने लगा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस रईस राही को गिरफ्तार करने गई लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए, मदीना में हूँ और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। विफाक वज़ीर मनसूबा बंदी अहसन इकबाल ने कहा कि आज एक दूसरे से लड़ने की बजाय पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। पंजाब के सूबाई दारकूमत में तकरीब से खिताब करते हुए विफाक वज़ीर का कहना था कि सियासी तब्दीली से कौमी अहमियत की पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से 2018 में नई हुकूमत ने तरक्याती पॉलिसियों पर अमल रोक दिया। मुस्लिम लीग की गुज़िश्ता हुकूमत ने मस्तूनी जहानत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों पर काम किया। मौजूदा हुकूमत नेशनल सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग मनसूबे पर काम कर रही है। बलोचिस्तान ताकतवर मौसमी सिस्टम की लपेट में आ गया। चमन, पश्चिम मस्तोंग, दक्की, डेरा बुक्ती, कोल्लू, अवारान और नसीराबाद में तेज बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाले दोनों अहम कौमी शाहराएं बंद। बोलान के इलाके पंजरा पुल का मुतबादिल रास्ता बह जाने से ट्रैफिक मौतल। कस्बेला के करीब कोयटा कराची शाहरा भी सैलाबी रेले में बह गई। कराची जाने वाली ट्रैफिक का मुतबादिल रास्ता भी मुतासर, जबकि कोयटा सिटी शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिन्हास। अरनेज़ आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।